हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय नेम इशानू इसवाल एंड यू आर वाचिंग स्टडी फॉर ऑल स्टडी फॉर ऑल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो so जैसा कि मैंने बताया था रोज़ सुबह आठ बजे आपको करंट अफेयर और शाम को जीएस, जीके या रीजनिंग में जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा सो लेट्स स्टार्ट करंट अफेयर सेक्शन तो हाल ही में कौन सा राज्य टिड्डियों के आतंक से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा टिड्डियों को लोकस्टी बोलते हैं अब आप, आप जानते होंगे ग्रास ओपर नाम सुना ही होगा आपने तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा हुआ है राजस्थान जैसे बताया जा रहा है सबसे पहले दस्तक टिड्डियों का आतंक सबसे पहले देखा गया था अफ्रीकन कंट्री में अफ्रीका में पूरी तरह से हज़ारों लाखों किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए उसके बाद यमन में इसका टिड्डियों ने आतंक मचाया पूरे क्रॉप से यानी फसलों को बर्बाद किया अब उस, उसके बाद पाकिस्तान में बताया जा रहा है अब पाकिस्तान के बाद भारत में दस्तक दिए हो भारत ने सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित किया राजस्थान में तो आपको बताना है राजस्थान राजस्थान के क्षेत्र को भारत का ऊंट का मेला बोला गया है तो भारत के राजस्थान के किस क्षेत्र को भारत का ऊँट का मेला बोला गया है अच्छा जो ये राज्य जो टिड्डियों का आतंक सबसे ज़्यादा बताया गया है सबसे ज़्यादा प्रभावित राजस्थान हुआ है तो एक किस संगठन ने बताया है तो टिड्डी चेतावनी संगठन ये संगठन है बनाया गया है जिसका नाम क्या है टिड्डी चेतावनी संगठन के द्वारा बताया गया है कि टिड्डी का सबसे ज़्यादा आतंक कहाँ पर है राजस्थान में हुआ कई सारे किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है कई सारे फसलें बर्बाद करते चले जा रही हैं और टिड्डी चेतावनी संगठन यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है ठीक ये किसके अंतर्गत आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मर वेलफेयर के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मर फॉर्मर वेलफेयर के अंतर्गत है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए हाल ही में किस ऐप को ओपन सोर्स ओपन सोर्स का डिसीजन लेने का काम मतलब कि निर्णय किया गया है डिसीजन लिया गया है ओपन सोर्स को तो आरोग्य सेतु ऐप को किस ऐप को भैया तो किस ऐप को ओपन सोर्स का निर्णय लिया गया है तो आरोग्य सेतु ऐप आप. अब आपको पता ही होगा आरोग्य सेतु ऐप कोविड 19 में ट्रैकिंग से संबंधित है जो दूसरे व्यक्ति को बचा सकता है कोविड पे कोविड कोरोना पॉजिटिव होने से ठीक ये जोन अगर सही नहीं हो कि अब उस क्षेत्र में आ रहे हैं जहाँ पे एक पेशेंट है बहुत ही अच्छी इसकी सराहना भी की गई डब्ल्यू के द्वारा कई लोगों के द्वारा ठीक तो आरोग्य सेतु ऐप तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के बॉक्स में कि इसे कब लॉन्च किया गया है इसे कब लॉन्च किया गया है आरोग्य सेतु ऐप को खड़े होंगे अब आपको भी बताना है कि राजस्थान के <laughs> मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम क्या है राजस्थान के मुख्यमंत्री और गवर्नर का नाम क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए चार धाम परियोजना के तहत नितिन गडकरी ने किस टनल का उद्घाटन किया तो चार धाम परियोजना जो ये धाम प्रोजेक्ट है इसके तहत चंबा टनल का क्या किया गया है उद्घाटन किया गया है ये बन चुका है अब इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा नितिन गडकरी जी के द्वारा आपको बताना है नितिन गडकरी जी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं भारत का जो सड़क का रूपरेखा है पूरी तरह से इन्होंने चेंज किया काफ़ी बहुत ही तेजी से देख देखने को मिला काफ़ी सड़क निर्माण हुआ ठीक तो इसका श्रेय आता है नितिन गडकरी जी को वन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा था इन्हें नितिन गडकरी ने किस टनल का उद्घाटन किया तो चंबा टनल का उद्घाटन किया ठीक आपको बताना है कि किस मंत्रालय से संबंध रखते हैं विच मिनिस्ट्री से रिलेटेड मतलब कौन से मिनिस्ट्री से मंत्रालय से रिलेटेड हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कोविड नाइन्टीन के कारण भारत में छाई आज़ादी के बाद भारत में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा भारत में छाई आज़ादी के बाद सबसे आर्थिक मंदी किसने कहा तो ध्यान दीजिएगा आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी अब बताया जा रहा है कि इस बार 2020 में आया है भारत में तो किस संस्था ने कहा क्रिसिल ने तो आप जानते हैं कोविड 19 के कारण कितना हम सबको कितने महीनों से लॉकडाउन है इकोनॉमिक एक्टिविटी ए, सारी ठप पड़ चुकी है इंटरनेशनल इम्पोर्ट एक्सपोर्टेशन सारी चीज़ आयात निर्यात सारी चीज़ रुकी हुई है तो ये बहुत ही तेजी से ग्लोबल रिसेस आने की बात वैसे ही हो चुकी है और पूरी तरह से बता दिया गया है ठीक तो क्रिसिल ने ये इसकी घोषणा की है कि सब, की सबसे आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा स्तर पर आर्थिक मंदी आई है आपको बताना है क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिसिल एंड हेड क्वार्टर इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए इससे आप जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप देखेंगे जो आता होगा तो उसका आंसर देंगे जो नहीं आता होगा उसको देख के तब आंसर देंगे यानी कुल मिला आपको आंसर Uh, का पता होता रहेगा मतलब आप फाइंड uh, तो करेंगे जिससे आपको नॉलेज भी होगी लिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन उमंग मोबाइल ऐप जो कि बहुत ही चर्चा में रहा है ये किसके द्वारा लाया गया है तो ये किस ये जो मोबाइल ऐप है किसके किसके लिए लॉन्च किया गया है तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के सॉरी इसको किसने लॉन्च किया है तो भारत मौसम विज्ञान विभाग ठीक इस लॉन्च इन, किया है इस इसका फुल फॉर्म अगर बात की जाएगी तो क्या है यू फॉर यूनिफाइड एम फॉर मोबाइल ए फॉर एप्लीकेशन फॉर एंड फॉर न्यू एज गवर्नेंस तो यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस तो इस गवर्नेंस इसका फुल फॉर्म है तो उमंग एक मोबाइल ऐप है जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है भारत मौसम विभा, विज्ञान विभाग ठीक भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है यूनिफाइड इसका फुल फॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस इसका फुल फॉर्म है तो ये इससे पता चलेगा कि इस ऐप से कि इसमें हमारा जो ये वेदर है वेदर फॉरकास्टिंग का पता चलेगा कि वेदर कैसा रहेगा दिन रहेगा मतलब कि आंधी होगी तूफान होगा या फिर सनी होगा मतलब सनी का मतलब आ, मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी या विंडी होगा या मतलब कि आंधी आने की संभावना है तो ये बहुत अच्छा ऐप बताया जा रहा है उमंग मोबाइल ऐप जिसको भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है वेदर फॉरकास्टिंग के लिए मौसम की जानकारी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अतुल माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर जो कि किसको विघटित करने के लिए डिकम्पोज मतलब कि डिग्रेड करने के लिए बनाया गया है तो कोविड नाइन्टीन को विघटित करने हेतु इसको लाया गया है कि इसको तुरंत पूरी तरह से इस पर कंट्रोल पाया जाए कोविड नाइन्टीन के लिए तो, तो ये अतुल माइक्रोवेव स्टरलाइजर जो डिवाइस है है ये जो मशीन है ये युक्ति है ये किसके द्वारा बनाई गई है तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी तो ये किसके अंतर्गत आता है तो ये भी डीआरडीओ के अंतर्गत आता भी है किसके अंतर्गत आता है डीआरडीओ के अंतर्गत आता है तो ध्यान से देखिएगा अतुल माइक्रोवेव स्टरलाइजर कोविड नाइन्टीन को विकसित करने के लिए ये बनाया गया है जो कि किस संस्था के द्वारा बनाया गया है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ठीक जो कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है तो पुणे में स्थित है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा निर्मित किया गया है अतुल माइक्रोवेव स्टरलाइजर किसको विकसित करने के लिए कोविड नाइन्टीन को विकसित करने के लिए ये किस संगठन के अंतर्गत आता है किसके अंदर आता है किसके अंडर है तो डी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अब आपको इसका मुख्यालय बताना है इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय बता दिया डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है पुणे में है ठीक तो इतना मित्र सुन

ये एक प्रकार का क्या है तो ये जो डिवाइस है एक प्रकार का ड्रोन है जो पब्लिक प्लेस को पब्लिक प्लेस को डिसइंफेक्ट कर देगा यानी अगर इस जोन में इस पब्लिक जोन में लग रहा है कि यहाँ पे कोरोना का संक्रमण हो सकता है तो उसको उस पब्लिक इस इस प्लेस को डिसन्फेक्ट करने का कार्य करेगा अच्छा इसको किसके द्वारा बनाया गया है तो ये जो कोरोना किलर हैंड्रेड है जो ये अनमैंड एरियल व्हीकल है इसको गरुण एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है किस एरोस्पेस के द्वारा भी है गरुण एरो अब एरोस्पेस का मतलब इनका संबंध एयर से रिलेटेड होता है इतना उम्मीद तो उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ रहा होगा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए श्रम गहन कार्यक्रम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है जिसके मुख्यमंत्री आपसे पूछा भी था आपने आंसर भी दिया था ठीक अब ध्यान से देखिएगा श्रम गहन कार्यक्रम को सर झारखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है इसके तहत कितने कार्यक्रम लाए गए हैं तो स्रम... श्रम श्रम गहन कार्यक्रम के तहत तीन कार्यक्रम लाए गए हैं जिसमें पहला कार्यक्रम का नाम क्या है बिरसा हरित ग्राम योजना कौन सी योजना भी है बिरसा हरित ग्राम योजना और दूसरा योजना का नाम क्या है नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना वीर शहीद पोतो हो खेल विकास हो खेल विकास योजना तो श्रम गहन कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है तो झारखंड राज्य से झारखंड राज्य सरकार ने इसको इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है इसके तहत कितने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं तीन प्रोग्राम बिरसा हरित ग्राम योजना नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना ये तीन प्रोग्राम चलाए गए हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका नॉलेज बहुत होगी आज इस वीडियो से फेलुदा फेलुदा नाम इसका दिया गया है भारत का पहला पेपर फ्रेंडली टेस्टिंग किट तो अगर पेपर में आएगा आपका ज़रूर पूछाएगा कि कोविड 19 के लिए या कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए पहला पेपर फ्रेंडली टेस्टिंग किट कि किसी व्यक्ति को अगर कोरोना तो है कि नहीं कोरोना पॉजिटिव का पता लगाने के लिए पहला पेपर फ्रेंडली टेस्टिंग किट बनाया गया है पेपर फ्रेंडली तो ये आप लगा दे सकते हैं फैलूदा भारत का पहला पेपर फ्रेंडली टेस्टिंग किट है जो 30 मिनट में कोविड 19 टेस्ट रिजल्ट देता है 30 मिनट में आ, अंडर 30 मिनट में 30 मिनट में, में ही कोविड 19 टेस्ट रिजल्ट देगा कि व्यक्ति पॉजिटिव है या नहीं कोरोना पॉजिटिव है या नहीं बहुत अच्छा बनाया गया है अब बात की जाएगी कि चिली एक जे से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ चिली चिली को तांबे की राजधानी बोलते हैं और यूक्रेन को देखो चिली को किसकी संज्ञा दी गई है तांबे की राजधानी किसे बोला गया है तो आपको चिली पिटिक लगाएंगे अगर पेपर में आ जाए यूक्रेन को क्या बोला गया है तो विश्व का अन्न भंडार तो किस देश को विश्व का अन्न भंडार कहते हैं तो यूक्रेन को या रोटी की डलिया किसे बोला गया है तो रोटी की डलिया या विश्व का अन्न भंडार यूक्रेन को कहा गया है तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो तो उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर जरूर देंगे नी बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कीप इट अप एंड ऑल द बेस्ट